हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आज मैं फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। जैसा कि आप बैकग्राउंड में मेरे प्लान को देख सकते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किसके बारे में बात करेंगे। तो ये है मेरा मनी प्लांट का के दो प्लांट्स। आपको दिख नहीं रहा होगा, इतना काफ़ी ये बुशी है। तो मैं ये दिखा देती हूँ कि ये एक प्लांट है और ये मेरा दूसरा प्लांट है। ये दोनों आई थिंक 12 या 14 इंच के पॉट में लगे होंगे और दोनों काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। ये काफ़ी सालों से हैं और इनके लीव्स आप जैसे देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं ये। और काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारे प्लांट्स बुशी नहीं होते, मनी प्लांट में लीव्स जो होती है बड़ी नहीं होती हैं, फर्टिलाइजर्स डालिए, ये डालिए, वो डालिए। खैर, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और ये उसी मिट्टी में ये काफ़ी सालों से लगा हुआ है और फर्टिलाइज़र भी ऐसा सच कुछ ख़ास नहीं डालती हूँ। सालों में एक बार कभी डाल दिया फर्टिलाइज़र। द मेन थिंग इज़ कि आप इसको शेडी एरिया प्रोवाइड करें जहाँ पर धूप ना आती हो और इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, और चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, मेरे प्लांट्स ऐसे ही रहते हैं। टाइम टू टाइम मैं वाटरिंग देना कभी नहीं भूलती, और इसके जो डेड लीव्स हैं वो मैं हटाती रहती हूँ। डेड लीव्स का मतलब है कि आप जैसे कि ये है एक डेड लीव, खैर अभी ये पीली पड़ जाएगी तो मैं ये हटा दूँगी। जैसे कि ये डेड लीव है, ये आप इसको कैप्चर करके इसको और इसको तोड़ते रहिए, इसको नहीं, इससे आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और दिखने में भी अच्छा लग रहेगा। और इसकी जो ये कटिंग्स हैं, मैंने कुछ कटिंग्स मैंने वाटर में भी ग्रो करी हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। कि जैसे ये है, मैंने छोटे से मग में वाटर डाल के, ये आपको दिख रहा होगा वाटर, और इसमें काफ़ी अच्छी रूट्स आई हुई है। ये मैंने आई थिंक मैंने ये समर्स में लगाया था, जून या जुलाई के मंथ में, और मैं बस टाइम टू टाइम इसमें वाटर उसके डालती रहती हूँ, पोर करती रहती हूँ। मैं इसको चेंज भी नहीं करती, कभी कभार चेंज भी कर देती हूँ इसकी रूट्स। जब भी आप इसके रूट्स जब भी आप इसके वाटर को चेंज करें तो एक बार इसके रूट्स को अच्छे से धो लें इसके निकाल के। लेकिन इसके रूट्स को आप ध्यान रखिए कि ये काफ़ी अच्छे से हैंडल करिएगा इसको, बहुत ही नाजुक होती हैं इसकी रूट्स, तो टूट भी सकती हैं। तो ये अच्छे से आप इसके ऊपर पानी पोर कर दीजिए चाहे मग से, और इसको क्लीन करिए तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए ग्रोथ करेगा। देखिए जैसे ये है, और मैंने इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से सपोर्ट दे के उसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, तो देखिए कितनी लंबी लंबी रूट्स हैं इसकी। ये वाटर में भी अच्छी तरीके से चलता है और मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसकी लीव्स देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीन हैं और बड़ी बड़ी हैं, और इसके टाइम टू टाइम इसमें भी येलो लीव्स होती हैं, और मैं उनको कैप्चर करके उनको निकालती रहती हूँ। उनको यहाँ पर पानी में नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि अगर पानी में अगर कोई भी लीव गई तो वो डिकम्पोज होगी और वो पानी को ख़राब करेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। तो आप टाइम टू टाइम इसके वाटर ज़रूर चेंज करते रहें, या फिर आप वाटर पोर करते रहें। तो उसका क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो वाटर में होता है वो ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी कम होता है। वाटर में ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, क्योंकि तो इसलिए प्लांट्स को हमें अच्छी एयर प्रोवाइड करनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और इसमें कोई ऐसा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप टाइम टू टाइम पानी का ख्याल रखें, और पॉट्स भी ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इसकी रूट्स फैलती हैं लेकिन कभी लंबी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपको और क्या पूछना है मनी प्लांट के बारे में। मुझे जितना बताना था मैंने दे दिया, मैंने अपने कम टाइम में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, बट आपको जो पूछना हो वो आप पूछिएगा।
तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए बाय बाय एंड होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एंड लेट कीप मी मोटिवेटिंग इन पोस्टिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू, बाय बाय.